नमस्कार दोस्तों, हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बहुत से स्टूडेंट्स को एग्जांपल के मतलब एग्जाम्स के प्रेशर में। तो ये एग्जांपल थोड़ा सा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होने की वजह से थोड़ा सा ट्रिकी है, मगर अगर अंडरस्टैंड हम करेंगे तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि कोई भी प्रॉब्लम हो आप प्रॉपरली रीड कीजिए। ओके, तो ये प्रॉब्लम में हमें यहाँ तक एक इंफॉर्मेशन भी दिया है और कुछ पूछा भी गया है। तो हमें क्या पूछा, इन हाउ मेनी ईयर द अमाउंट विल बी डबल ऑफ द प्रिंसिपल। हमें यहाँ तक जो इंफॉर्मेशन है ये हमें कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन हम कहेंगे या तो इंफॉर्मेशन लेके, हाउ मेनी ईयर द अमाउंट विल बी डिवाइड, अमाउंट विल बी डबल। हमें पता कि अमाउंट डबल कब होगी प्रिंसिपल से, जब प्रिंसिपल की जो अमाउंट रहेगी उसमें इंटरेस्ट जो रहेगा वो भी इक्वल रहेगा दोनों प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तभी हम कहेंगे कि वो डबल हो चुकी है। इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट। ओके, चलिए अज्यूम करते हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट एक्स, इसका मतलब इंटरेस्ट भी अमाउंट एक्स ही आएगी। ओके, दूसरा हमें एक और इंफॉर्मेशन दिया भाई यहाँ पे, एट द रेट मतलब 12.5 बीसीपी है पर सेंट पर एनम, मतलब पर सेंट, सेंट मतलब मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया बीसीपीए का लॉन्ग फॉर्म, और ये पीसी कहाँ से, सेंट मतलब क्या है उसका मीनिंग भी मैंने बताया। तो 12.5 है बीसीपीए, इसका मतलब 12.5% है। ओके, ये हमें दिया रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम इसको आर से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, इंटरेस्ट को आप आई से कीजिए या तो एस आई से भी कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू पी मल्टीपल बाय आर मल्टीपल बाय एन। अभी एन क्या है, तो बहुत से जगह टी भी करते हैं, स्मॉल एन भी करते हैं। इट्स अ यहाँ पे जो हाउ मेनी ईयर मतलब इट्स अ पीरियड और इट्स अ टर्म। ओके, तो हम यहाँ पे कैपिटल एन लेंगे, उसकी वैल्यू में निकालना है। तो ये हमारे पास अननोन है, आर हमें पता है 12.5%, पी का हमें एज्यूम किया हमने एक्स और सेम आई भी है, तो चलिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 तो वैल्यू पुट करेंगे। आई हमने एक्स एजुम किया है मतलब प्रिंसिपल पी जो है एक्स एजुम किया, तो इंटरेस्ट भी सेम है तो आई भी एक्स आएगा, मल्टीपल बाय आर इज इक्वल टू 12.5 मल्टीपल बाय एन डिवाइडेड बाय 100। एक्स एक्स के कैंसल, सेम टाइम 100 यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर में, 100 डिवाइडेड बाई 12.5 इज इक्वल टू एन। 12.5 यहाँ पे कैसे आया, तो यहाँ पे आर एच एस में ये न्यूमरेटर में था तो एल एच एस में ये डिनोमीटर में आ जाएगा। हमें पता है 12.5, एक मैं जीरो लेता हूँ, 12.5 की जगह मैं 125 कर लेता हूँ, यानी यहाँ पे एक जो डेसिमल था मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया, तो न्यूमरेटर में मैंने मल्टीपल बाय 10 से किया। ओके, नाउ इसको मैं 25 से करता हूँ तो ये आएगा 5, ये आएगा 40, सो 5 1 5 8, सो एन इज इक्वल टू 8 इयर्स। ओके, तो अपना ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 8 इयर्स, दिस इज द करेक्ट। ओके, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज क्या रहती है कि हमें प्रॉब्लम क्या है वो हमें समझना चाहिए। यहाँ पे हमें कंडीशन दे दिए कि अमाउंट विल बी डबल, यहाँ पे अमाउंट का मतलब रहता है कि आपकी टोटल अमाउंट विच इज प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स गड़बड़ी करते हैं कि इसी को आई कंसिडर करते हैं कि इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट विल बी डबल देन पी मतलब 2p कर लेते हैं। अगर आप 2 मल्टीपल बाय प्रिंसिपल करेंगे यहाँ पे, समझ लीजिए यहाँ पे अगर 2 से करेंगे तो मुझे लगता है कि आंसर ये नहीं आएगा, अलग ही आंसर आएगा, तो अपना पूरा का पूरा आंसर जो रहेगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ध्यान में रखिए कि जो भी प्रॉब्लम दिया है वो प्रॉपरली रीड करके उसकी कंडीशन क्या है वो हमें समझ लेनी चाहिए। ओके, थैंक यू।